हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथ के प्रोग्रेशन टेक्नोलॉजी की और इसका कल्टीवेशन की, कि इसका कल्टीवेशन हम किस टाइप से कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आता है हमारा बोटनिकल नेम, जो इसका जिया मेज है, जिया जीनस है और मेज स्पेसिस है। यदि हम इसकी फैमिली की बात करें तो फैमिली इसकी पोएसी और ग्रेमिनी है। क्रोमोसोम नंबर 21 = 20, इसका ओरिजिन प्लस मैक्सिको है। और मेज एक सीरियल क्रॉप है जिसको हम खरीफ सीजन में ग्रो करते हैं। इट इज़ अ क्वीन ऑफ सीरियल, मतलब हम इसको क्वीन ऑफ सीरियल भी बोलते हैं क्योंकि इसकी यील्ड देने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और यदि हम किंग ऑफ सीरियल की बात करें तो वो वीट होगा क्योंकि उसकी भी यील्ड देने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। मेज इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम टेसोनोट। अभी टेसोनोट क्या है? टेसोनोट एक फोडर वाली क्रॉप है जिसका साइंटिफिक नेम यूकलाइना मैक्सिकाना है और मेज की उत्पत्ति उसी से हुई है। मेज एक नॉन टिलर प्लांट भी है। नॉन टिलर प्लांट मतलब सिर्फ एक बीज से एक ही प्लांट डेवलप हो। और राइस राइस में क्या होता है, सीड तो एक रहता है बट उस पर टिलर बहुत सारे रहते हैं। टिलर रहते हैं उसमें मैक्सिमम 20 से 25, इसलिए इसको हम नॉन टिलर प्लांट में कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं कल्टिवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, बल्ड की। यदि हम बल्ड की बात करें तो कल्टिवेशन सबसे ज़्यादा अमेरिका में किया जाता है, इसका प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है और इसीलिए मेज को बैकबोन ऑफ अमेरिका बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर मेज का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसके जो प्रोडक्टिविटी है वो इटली में है। यदि हम बात करें भारत की तो कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा कर्नाटका में किया जाता है, इसका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही आंध्र प्रदेश में, भारत में सबसे ज़्यादा होती है। अब इसके बात करते हैं हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में क्या होता है, प्रोटीन, प्रोटीन कितना रहता है इसमें, 10% रहता है। इस प्रोटीन का नाम क्या रहता है, जिन प्रोटीन, मैं यहाँ पर मेंशन भी किया हूँ, जिन प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें 70 से 80% रहता है, स्टार 65%। सीरियल क्रॉप लैकिंग लाइसिन, मतलब सीरियल क्रॉप में लाइसिन अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है और इसके लिए एक वेराइटी डेवलप की गई है जिस वेराइटी का नाम है प्रोटीन है, इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब ये मेज का प्लांट है, आप यहाँ पर इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए क्योंकि आगे के जो पूरा बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन है वो सिर्फ इसी पर डिपेंड है। टेसल जिसको हम मेल फ्लावर बोलते हैं, सिल्क ये फीमेल फ्लावर होता है मेज का, ये रूट्स होती है, ये सीड होता है इसका। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन, सी फॉर प्लांट क्या होता है, जिसमें कार्बन के चार साइकिल पाए जाते हैं उसको हम सी फॉर प्लांट बोलते हैं। बेसिकली हम इसको इस टाइप से याद कर सकते हैं, जिस प्लांट के लीव्स लॉन्ग होती है उसको हम सी फॉर प्लांट बोलते हैं। सेकंड पॉइंट आता है प्रोटेंट्री। क्या प्रोटेंट्री मीन्स, जिस प्लांट में मेल फ्लावर सबसे पहले मैच्योर हो जाए उसी कंडीशन को हम प्रोटेंट्री बोलते हैं। प्रोटोगाइनी, जिस प्लांट में सबसे पहले फीमेल फ्लावर मैच्योर हो उसको हम बोलते हैं प्रोटोगाइनी। मोनोसियसी, सेम प्लांट पर डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर यदि प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं मोनोसियस। और डायोसी मतलब एक प्लांट पर एक ही फ्लावर प्रेजेंट रहे, या तो वो फ्लावर मेल होगा या फीमेल होगा, उसी कंडीशन हम बोलते हैं डायोसियसी। इसका एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा पपीता। ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है और ये सोडे प्लांट है। अब यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है खरीफ, जिन क्रॉप को हम खरीफ सीजन में ग्रो करते हैं उसको हम शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। जिन क्रॉप को हम रवि सीजन में ग्रो करते हैं उनको लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं, और जिन क्रॉप को हम जायद सीजन में ग्रो करते हैं उनको डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स में क्या, रूट, स्टेम, लीफ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रूट की, रूट क्या होती है, रूट की हम बात करते हैं यहाँ पर तो इसकी जो सेमिनल रूट होती है वो रेडिकल से निकलती है, और एक जो क्राउन रूट होती है वो बेसल नोड से निकलती है, जो मेज के प्लांट को सपोर्टिंग का काम करती है, मतलब मेज के प्लांट को सपोर्ट प्रदान करती है। और प्रोब रूट होती है जो मेज के प्लांट पर आपने जो गांठें देखी होगी बीच बीच में उससे को हम बोलते हैं प्रोब रूट। अब स्टेम क्या होते हैं, अब बात करते हैं हम सेकेंड पॉइंट स्टेम की, इसको हम स्टॉक भी बोलते हैं। पूरे पौधे में 8 से 21 स्टेम होते हैं, गांठे होती है, मतलब सीड से, हाँ एक बात और, सीड सेड होने से पहले जो मेज का प्लांट है उसमें लगभग 8% शर्करा मतलब शुगर पाई जाती है। जैसा आपने देखा हो मेज क्रॉप का फोडर के रूप में जैसा हम अपने को यूज़ करना हो
तो क्या करते हैं, मन कट कर कर रख देते हैं, तो वहाँ पर कुछ टाइम बाद चींटियाँ पड़ जाती है। तो चींटियाँ किस वजह से पड़ती है, क्योंकि उस टाइम मेज का जो प्लांट है उसमें लगभग 8-10% शुगर पाई जाती है। हाइट ऑफ प्लांट यहाँ पर सीड और ब्लेड दिया हुआ है, इसका मैं आपको बताऊँगा। सीड मतलब क्या, यदि लीफ स्टेम से लगी हुई है उसको हम बोलेंगे सीड, और यदि लीफ हवा में है, हवा में इधर उधर तैर रही है, उसको हम बोलेंगे ब्लेड। मेज के प्लांट की हाइट 3 मीटर होती है। अब आता है इनफ्लोरोसेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ अ फ्लावर इन अ प्लांट। किसी भी प्लांट में फ्लावर का अरेंजमेंट किस टाइप से है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस इसमें दो टाइप का होता है, मेल होता है, फीमेल होता है। मेल वाला जो इनफ्लोरोसेंस उसको हम टेसल बोलते हैं, जो फीमेल वाला इनफ्लोरोसेंस उसको हम सिल्क बोलते हैं। इसका जो फ्रूट होता है, इसका जो फ्रूट है तो उसको हम, उसका नेम है क्या, कैरियोप्सिस। इसका जो फ्रूट है उसको हम कैरियोप्सिस बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर आता है क्लासिफिकेशन और मेज क्रॉप। मेज का क्लासिफिकेशन यहाँ पर दो टाइप से उसका क्लासिफिकेशन किया है, ऑन द बेसिस ऑफ सीड कलर, मतलब उसका जो सीड है मेज का उसका कलर किस टाइप से है, वाइट कलर है, ऑरेंज कलर है, रेड है, येलो है। सीड के कलर के ऊपर इसका क्लासिफिकेशन किया गया, और एक क्लासिफिकेशन इसका बॉटनिकल कैरेक्टर के हिसाब से, जिसको किप्सन है 1959 में इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहला आता अपना फ्लिंट कॉर, डेंट कॉर, स्वीट कॉर, सॉफ्ट कॉर्न, बैक्स कॉर्न, पॉट कॉर्न, पॉप कॉर्न। इस बॉटनिकल यहाँ पर सब के लिखे हुए, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फ्लिंट कॉर्न क्या होता है। जो फ्लिंट कॉर्न है इसकी सबसे ज़्यादा जो कल्टीवेशन है वो भारत में की जाती है, और इसका जो सीड रहता है, बीज रहता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, कठोर रहता है। और एक बात और, मेज में जो येलो कलर रहता है वो जिया जेंथनाइन की वजह से इसमें येलो कलर होता है। सेकंड नंबर पर आता है डेड कॉर्न। डेड कॉर्न क्या, अमेरिका में सबसे ज़्यादा जिस वैरायटी की खेती की जाती है वो होती है डेड कॉर्न। और स्वीट कॉर्न क्या, जिसमें शुगर की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। यहाँ पर नेम से पता लग रहा है, स्वीट कॉर्न मतलब मीठा, तो शुगर की मात्रा पाई जाती है, उसको बोलते हैं हम स्वीट कॉर्न। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। थोड़ा क्लाइमेट, इसको हम किस सीज़न में ग्रो करते हैं। खरीफ सीज़न, खरीफ सीज़न का भी स्टार्ट होता है अपना जून टू जुलाई, और जैसा आपको पता है जून टू जुलाई में मानसून आ जाता है, तो उस टाइम रेनी सीज़न हम उसको बोल सकते हैं, मतलब बरसात होने लग जाए तो हम इसको रेनी सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। उस टाइम इसका टेम्परेचर 24-30 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्लावरिंग स्टेज जब इसके आती है तब 25 डिग्री टेम्परेचर की इसकी आवश्यकता होती है। और इसको जो एनुअल रेनफॉल है, मतलब इसका जो पूरा लाइफ साइकिल है मेज के प्लांट का, उसमें इसको 50-75 सेंटीमीटर रेनफॉल की आवश्यकता होती है। अब इसकी सोइल की बात करें, हमको ग्रो करने के लिए किस टाइप की सोइल की आवश्यकता है। सबसे पहले आती है क्ले सोइल, क्ले लोम, लोम सोइल, लोम सिल्क, ब्लैक सोइल। ये बहुत अच्छी सोइल है मेज की क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए। इसका जो पीएच है वो 5.5-8.5। अब हमने यहाँ पर क्लाइमेट के बारे में जान लिए, सोइल के बारे में जान लिए। अब हम आगे देखेंगे वैरायटी, हमको कौन कौन से वैरायटी का यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले आते हैं देसी वैरायटी, कंपोजिट वैरायटी, हाइब्रिड है। देसी वैरायटी क्या, जिसको हम बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, उन वैरायटी को हम क्या बोलते हैं, देसी वैरायटी बोलते हैं। कंपोजिट वैरायटी, कंपोजिट वैरायटी अब क्या होता है, जब दो देसी वैरायटी को क्रॉस कर, मतलब दो देसी वैरायटी को हमने क्रॉसिंग कराया, उसके बाद जो न्यू वैरायटी मिलेगी उसका हम बोलेंगे कंपोजिट वैरायटी। जैसे विक्रम हो गया, विजय हो गया। हाइब्रिड वैरायटी क्या, हाइब्रिड वैरायटी गंगा, सफ़ेद, संगाल, ये सब हाइब्रिड वैरायटी है। बिहार लक्ष्मी रम्या ने यहाँ पर ये इसलिए लिखा क्योंकि जो बिहार है इंडिया का राज्य है, वहाँ पर रबी सीजन में भी मेज का कल्टीवेशन किया जाता है, और वहाँ पर जो वैरायटी यूज़ की जाती है वो वैरायटी है लक्ष्मी वैरायटी। उस वैरायटी का नाम क्या, लक्ष्मी वैरायटी। अब मैं आपको यहाँ से लगभग कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं आपको ये भी बताऊँगा। आइसर ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था AICRP 1957 में। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या था, जो मेज की जो वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी उसको डेवलप की जा रही थी, और उसको सक्सेस 1961 में हुई।
और इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो फर्स्ट वेराइटी डेवलप, वो वेराइटी कौन सी थी गंगा, फर्स्ट वेराइटी इस प्रोजेक्ट के द्वारा उसको डेवलप किया गया था। अब ये जो गंगा फर्स्ट वेराइटी, इसको डबल हाइब्रिड क्रॉस टेक्निक के द्वारा इसको बनाया गया था। और इस जो डबल क्रॉस हाइब्रिड टेक्निक, इसको डी एफ जोन्स एक साइंटिस्ट उन्होंने दिया था, और जो सिंगल क्रॉस टेक्निक होती है उसको ईस्टर्न सोल ने दिया था, और वो अमेरिका में सबसे ज़्यादा उसका यूज़ होता है सिंगल क्रॉस टेक्निक का। अब यहाँ पर जीन लिखा हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था सीरियल क्रॉप में लाइसिन अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है, उस कमी को पूरा करने के लिए एक वैरायटी बनाई गई थी प्रोटीना, मैंने अभी आपको बताया। तो उस वैरायटी में ओफेक्यू टू प्लस फ्लोन टू या दोनों जीनों का यूज़ कर प्रोटीना वैरायटी का वैरायटी बनाई गई थी, जिसमें अमीनो एसिड या लाइसिन अमीनो एसिड की का जो कंटेंट है उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए इन दोनों जीन का यूज़ किया गया था। इसमें जो लाइसिन की जो कंटेंट रहता है लगभग 4% है इस वैरायटी में, प्रोटीना वैरायटी में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब सोइंग टाइम, हम किस टाइम पर इसको सोइंग कर सकते हैं, यदि हम खरीफ में करते हैं बेसिकली तो जून टू जुलाई, रबी मिड ऑफ अक्टूबर एंड एंड ऑफ नवंबर, बिहार में। अभी आपको बताया बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर रबी में भी मेज़ का कल्टीवेशन किया जाता है। यदि हमको जायद में करना है तो फरवरी टू मार्च, लेकिन जायद में होगा नहीं क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। यदि हम बात करें सीड रेट की, तो हाइब्रिड वैरायटी के लिए हमको 20-25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यदि हमको कंपोजिट वैरायटी लगाना तो उसके लिए भी लगभग सेम यही सीड रहेगा। हाँ, फोडर क्रॉप के लिए 40-45 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यहाँ पर यह सीड इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हम इसको कमर्शियली पर्पज से ग्रो नहीं करते, यहाँ पर हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड के द्वारा मतलब जो पशु रहते हैं उनको खिलाने के लिए हम मेज़ का कल्टीवेशन करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो सीड रेट है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लाइन टू लाइन सोइंग मेंटेन नहीं रहती है, इसलिए यहाँ पर इसका सीड रेट इतना ज़्यादा है। क्रॉप्स के लिए यदि भुट्टे के लिए हमको करना है तो उसके लिए भी सेम है, और बेबी कॉर्न के लिए 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब हमने सीड रेट पता कर लिया, सीड वैरायटी के बारे में जान लिया, अब हम सीड का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि सीड के अंदर कोई फंगल डिसीज़ हुआ तो जब सीड को हम ग्रो करेंगे तो हमारे जो प्लांट उसमें भी फंगल डिसीज़ आएगा, जिससे हमारे यील्ड पर प्रभाव पड़ेगा। सीड ट्रीटमेंट हम करते हैं थायरम और बीटा बैग। क्या करते हैं इसमें, हम एक किलोग्राम सीड को ट्रीटमेंट करने के लिए 1.5-2 ग्राम थायरम और बीटा बैग का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा जो सीड है वो बहुत अच्छी तरीके से उसका ट्रीटमेंट हो जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम बात करते हैं इसकी सोइंग मेथड की, कौन कौन सी मेथड के द्वारा हम इसकी सोइंग कर सकते हैं। पहला आता है ब्रॉडकास्टिंग, लाइन सोइंग, डिबलर मेथड। लाइन सोइंग का यूज़ हम जहाँ पर जो मॉइस्चर सोयल में वो बहुत ज़्यादा हो वहाँ पर हम लाइन सोइंग का यूज़ करते हैं। डिबलर मेथड जहाँ पर मॉइस्चर की कमी हो वहाँ पर हम डिबलर मेथड का यूज़ करते हैं। डिबलर मेथड में जो डेप्थ रखी जाती है, मतलब गहराई रखी जाती है बोने की, वो रखी जाती है 3-5 सेंटीमीटर। अब हम स्पेसिंग की बात करते हैं, स्पेसिंग में क्या 16-45 सेंटीमीटर अनइरीगेटेड कंडीशन, मतलब क्या, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होगा, 60-25 सेंटीमीटर इरीगेटेड कंडीशन, मतलब जहाँ पर जो रेनफॉल हो वो अच्छा होता हो, और 14-20 सेंटीमीटर अनइरीगेटेड कंडीशन, मतलब ड्राई लैंड कंडीशन, हम यहाँ पर स्पेसिंग रखते हैं। अब बात करते हैं थिनिंग। अब ये थिनिंग क्या होता है, मान लो हम मेज के क्रॉप की सोइंग कर रहे हैं और सीड रेट ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पर क्या जो प्लांट है, प्लांट ज़्यादा उगेंगे नंबर ऑफ प्लांट, तो जो दूसरे प्लांट अन्य उनको ग्रो करने के लिए प्रॉपर तरीके से इतना स्पेस नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम थिनिंग करते हैं। थिनिंग में हम क्या करते हैं, जो प्लांट है उनको निकाल लेते हैं फील्ड से, जिससे कि दूसरे प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छे से स्पेस मिल सके। इसको हम DAS मतलब डे आफ्टर सोइंग, मतलब सोइंग के 15-20 दिन के बाद हम थिनिंग करते हैं, या प्लांट की हाइट जब हमारी 15-20 सेंटीमीटर हो तब हम थिनिंग का यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं, मेन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र। लगभग हर क्रॉप में जो FYM है,
फार्म यार्ड मैन्योर वो इतना ही रहता है, 10 to 15 पर हेक्टेयर। एनपीके यदि हम हाइब्रिड वेराइटी लगा रहे हैं तो उसके लिए 120/60/40 का रेशो रखेंगे हम एनपीके के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का जो हाफ डोज है और नाइट्रोजन पोटेशियम और पोटाश, पोटेशियम पोटाश का फुल डोज प्लस नाइट्रोजन का हाफ डोज हम सोइंग के टाइम देंगे, बाकी की जो नाइट्रोजन जो बचा हुआ हाफ डोज है उसको हम बाद में देंगे। यदि हम कंपोजिट वेराइटी लगा रहे हैं तो उसके लिए रेशो रखेंगे 80/40 or 30 का रेशो हम रखेंगे कंपोजिट वेराइटी के लिए। अब यहाँ पर आता है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, आपको पता है ये खरीफ सीजन मतलब रेनी सीजन, रेनी सीजन क्या रेनफॉल हो जाता है, इसलिए हमको इसमें किसी भी प्रकार की इरीगेशन देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर लिखा नो इरीगेशन रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज़ ग्रोन इन रेनी सीजन। बीड मैनेजमेंट, खरपतवार नियंत्रण। बीड मैनेजमेंट में आता है प्री इमरजेंस, जो हमारी क्रॉप में जो बीड्स उग जाते हैं जिनको हमको आवश्यकता नहीं होती, जो हमारी क्रॉप को क्योंकि ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, उनके लिए हम प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस। प्री इमरजेंस में हम अल्ट्राजिन और सीमाजिन का यूज़ करते हैं जिनका हम 1.2 किलोग्राम पर हेक्टेयर इन 1000 लीटर वाटर, मतलब कि लगभग 1 किलो के आसपास हम 1000 लीटर पानी में इसको मिक्स कर कर उसका 1 हेक्टेयर के लिए सॉल्यूशन बनाएंगे। और पोस्ट इमरजेंस में आता है लासोर एल्का क्लोरोर, जिसका हम 5000 लीटर पानी में 5 लीटर का सॉल्यूशन बनाकर पर हेक्टेयर में हम इसका यूज़ करें, मतलब 1 हेक्टेयर में इसका यूज़ हम सोइंग के 30 to 45 डेज के बाद इसका हम यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आता है इंसेक्ट कंट्रोल। इंसेक्ट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है, सबसे पहला आता है स्टेम बोरर, आर्मी इंसेक्ट महू। स्टेम बोरर क्या होता है, नेम से ही यहाँ पर शो हो रहा है, स्टेम मतलब तना, बोरर मतलब जो इंसेक्ट है वो स्टेम को फीड करेगा, वहाँ पर ही अफेक्ट करेगा। ये देख लो यहाँ पर स्टेम में पूरी तरह का उसको सड़ा दिया एक प्रकार से। आर्मी इंसेक्ट ये देख लो, एक ब्लैक टाइप का रहता है थोड़ा। अब मैं आपको बताऊँ स्टेम बोरर क्या होता है। स्टेम बोरर की यदि हम बात करें, सबसे ज़्यादा फसल को यदि लॉस होता है वो स्टेम बोरर के द्वारा ही होता है, और ये हमको सोइंग के 30 to 35 डेज बाद ये हमको दिखाई देता है। और फौजी इंसेक्ट जिसको हम आर्मी इंसेक्ट भी बोलते हैं, ये ब्लैक कलर का होता है और ये नाइट में अटैक करता है, इसलिए हम इसको फौजी इंसेक्ट बोलते हैं। महू, जब मेज में फ्लोबिंग स्टेज आती है उस टाइम ये महू का अटैक होता है। इन सब का यूज़ इसके लिए हमारे पास, हम इनको कंट्रोल करने के लिए थायडाइन 1.5 liter और कॉर्बोलिल का सॉल्यूशन बनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, कार्बोलिल लेंगे 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर और थायडाइन लेंगे 1.5 liter के आसपास, और 1000 liter में उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, और उसका 15 days के बाद उसको हम फील्ड में अप्लाई करेंगे, मतलब सोइंग के 15 days के बाद हम उसको फील्ड में अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारे जो इंसेक्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकें। अब आता है डिसीज एंड इट्स कंट्रोल। अब कौन कौन सी बीमारी लगती है इसमें, पहला होगा सीड रोट, सीड ब्लाइट, डाउनी मिल्डी। सीड रोट और सीड ब्लाइट, नेम से सो रहा है सीड मतलब बीज, मतलब ये बीज सीड में ये बीमारी लगती होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं सीड रोट और सीड ब्लाइट में क्या होता है, इसमें जो सीड रहता है मेज का वो सड़ जाता है, ठीक है। और जो डाउनी मिल्ड्यू रहती है उसमें क्या रहता है, जो लीव्स होती है उस पर ये वाइट कलर के ये धारियाँ पड़ जाती है, तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डिसीज सीड रोट है या डाउनी मिल्ड्यू है। इन सब को कंट्रोल करने के लिए हम सीड रोट या सीड ब्लाइट कंट्रोल करने के लिए हम सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट करेंगे थायराम या बीटाबैक्स से। मैंने आपको अभी बताया था एक के जी सीड को ट्रीट करने के लिए हम 3 किलोग्राम थायराम या बीटाबैक्स का यूज़ करेंगे। डाउनी मिल्ड्यू इससे क्या क्या हानि होती है हमारी, सबसे पहले क्लोरोफिल का लॉस होता है यदि डाउनी मिल्ड्यू हमारी क्रॉप में लग जाता है तो। इसमें लीफ पर वाइट कलर की धारियाँ पड़ जाती है। इसमें हम 2 to 3 times डाइथेन AM45 का मिक्सचर बनाएंगे जिंक सल्फेट के साथ, और उसको हम हमारे फील्ड में अप्लाई कर देंगे 0.3% के साथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर आती है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जो मेज की उसकी कटाई हम कब कर सकते हैं, मतलब सोइंग के 90 से 110 दिन बाद हम
मैच की कटाई कर सकते हैं। इसमें 30 to 50 मतलब सोइंग के 30 to 50 days बाद फ्लोबिंग स्टेज आ जाती है। 60 to 70 days बाद हम यूज इन कॉप्स मतलब हम भुट्टे को खाने के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं। और प्लांट में पोलिनेशन होने के बाद 45 days बाद मतलब पोलिनेशन के 45 days बाद सीड मैच्योर होता है, उस टाइम हम इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब इसकी यील्ड की बात करें तो हाइब्रिड वैरायटी यदि हमने लगाई तो 50 to 60 quintal पर हेक्टेयर, कंपोजिट वैरायटी लगाई 40 to 50 quintal पर हेक्टेयर है। यदि हमने फोडर के पर्पज़ से यदि हमने क्रॉप को लगाई है तो उसकी यील्ड रहती है 300 to 400 quintal पर हेक्टेयर। ये जो एक पीक इसमें पूरा मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, एस्टेब्लिशमेंट मतलब सोइंग के 15 to 25 days के बाद प्लांट एस्टेब्लिश होने लग जाता है मतलब उसमें लीव्स आने लग जाती है, और उसके 25 to 40 days बाद वेजिटेटिव पार्ट्स आने मतलब प्लांट जो बड़ा होने लगता है, और वेजिटेटिव पार्ट्स आने के बाद 15 to 20 days के बाद फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है, और फ्लावरिंग स्टेज के 30 to 45 days बाद हमारा जो यील्ड है वो फॉर्मेशन मतलब सीड बनने लगता है, और उसके 10 to 15 दिन बाद रिपनिंग स्टेज मतलब सीड है जो मैच्योर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। थैंक यू।